नमा सद्गुरू शात सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण ब्रह्मपरानंदम ईशम आलंदी वल्लभम प्रियशिक्षा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एन के स्टूडियो में आपका पुनः पुनः स्वागत अभिनंदन मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पूरी उड़ीसा से आपके समक्ष उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययनम पाठ्यक्रमांतर्गत चौबीसवें पाठ के अध्ययन के लिए जो रुद्राध्याय के द्वारा प्रसिद्ध है उसके भाग दो के अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ इस पाठ में हम रुद्राध्याय के छठे मंत्र से नव मंत्र तक का अध्ययन पदपाठ संहिता मूल पाठ और उसके भावार्थ के साथ करेंगे छठा मंत्र इस प्रकार है ओम असौजस्ताम अरुण उत बभुरु सुम जे चै रुद्रा अभि तो दीक्षरिता सहस्रो वा गुहे यह संविता पाठ हुआ मैं पुनः इस मंत्र को एक बार और पढ़ता हूं असौजस्ताम्रो अरुण उत बभुरु सुमला जे चै न अभी तो सहस्र सो गुहे डे यह इस प्रकार संहिता पाठ किया जाता है इसका पद पाठ ऐसा है असौ जम्र अरुण उत इति सोमंगल जे च चेना रुद्रा अभीता दीक्षु श्रिता शहस्र शाम मे डाहा मे यह पद पाठ संपन्न हुआ इसका भावार्थ इस प्रकार है अयम तावत अस्य से ष्ठ मंत्र यह छठा मंत्र रहा मंत्र में अर्थ इस प्रकार है अस यहाम्रवर्ण रक्तवर्ण पिंगलवर्णश्चद्रच्चप सूर्यम सर्वंगल प्रवर्तक अस्त ये सहस्रम किरणा दिक्षु विस्तृता क्रोधम भक्त्या, दूरीकु मंत्र में भगवान रुद्र के विविध स्वरूपों का वर्णन करते हुए महर्षि प्रार्थना करते हैं प्रार्थना पूर्वक महर्षि बताते हैं कि यह जो ताम्रवर्ण से युक्त यह जो रक्त वर्ण वाला यह जो पिंगल वर्ण वाला रुद्र है जो साक्षात सूर्य स्वरूप है सूर्य ही है जो सबके मंगल का प्रवर्तक है सर्वविध मंगलकारक है और जो हजारों किरणों का विस्तार सभी दिशाओं में सूर्य के रूप में करते हैं ऐसे भगवान रुद्र के क्रोध को हम लोग अपनी भक्ति के द्वारा अपनी प्रणामांजलि के द्वारा अपनी प्रेमस्तुतियों के द्वारा दूर कर रहे हैं भगवान रो, क्रोध त्याग करके हम सभी जीवों से प्रेम करें और हम सभी जीवों के लिए अपना मंगलमय आशीष प्रदान करें जिससे हमारा सुतराम नितराम निश्चित रूप से कल्याण होवे इस तरह इस मंत्र में भगवान सूर्य को भगवान रुद्र को सूर्य स्वरूपी प्रतिपादित किया गया है वह रुद्र ही ताम्रवर्णीय है वह रुद्र ही रक्तवर्णीय है तथा वह रुद्र ही स्वयं पिंगलवर्ण से युक्त है और वह रुद्र ही समस्त जीवों का सर्वतोभावेन मंगल प्रवर्तक है और इतना ही नहीं वह जो हमें इस संपूर्ण संसार में सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं उन किरणों को भी प्रसारित करने वाला उन सहस्रों किरणों का विस्तारक साक्षात स्वयं परमेश्वर शिव स्वरूप रुद्र ही हैं ऐसे रुद्र को यजमानगण ऐसे रुद्र के क्रोध को शांत करने का प्रयास यजमानगण अपनी प्रार्थनाओं से करते हैं अग्रिम मंत्र है असौ जो सरपति नीलगरी गरी वो विलोहिता उतैनं गोपा पा आदर्शरण आदर्शरण नूदा हर जहा मैं पुन्दर एक बार इस मंत्र को पढ़ता हूँ असौ जो वासरपाती नी लग री वो विलो ही ता उताई नंगो पा अद्रशरान अद्रशरान दृष्टो मृतिना यह मूल संहिता पाठ किया गया इसके पश्चात पुनः पदपाठ का क्रम प्राप्त होता है पदपाठ इस प्रकार किया जाता है असौ जाहा अव सर्पाती अव सर्पाती नील गरीवा नीला गरीवा विलोहित विलोहिता उत एना गोपा अदृशरान्न अदृशरान्न सहा दृष्टाहा दृष्टा मृया न पद पाठ किया गया इस मंत्र में प्रतिपादित किया गया है कि यह सप्तम मंत्र है इस रुद्राध्याय का इसका वर्णन इस प्रकार है अस्मिन मंत्रे वर्णनमस्ति यद् असौ यो नीलकण्ठः विशिष्य रक्तिमवर्णः मन्दं मन्दम् अस्तं गच्छति किञ्च गोपालाः यं पश्यन्ति जलम् आहरन्त्यो बालाः यं च पश्यन्ति सः अस्ताचलस्थितः रु सूर्यरूपी रुद्रः अस्मभ्यं सुखं वितरतु अर्थात् सूर्यको रुद्र को विविध स्वरूपों में परिणत करते हुए महर्षि प्रार्थना करते हुए कहता है कि यह जो नीलकंठ है विशेष रूप से रक्तवर्ण वाला है जो धीरे धीरे मंद मंद अस्त की ओर जा रहा है जिसको गौपाल लोग गौओं के संरक्षक जो गौओं को वन में संचरण करने के लिए जाते हैं ऐसे गोपाल लोग जिसको देख करके पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ करते हैं गऊ को जो पुनः अपने घर की ओर लाते हैं जिसको देखते हुए और जलम आहरंत्य बाला कुएँ इत्यादि से तालाब इत्यादि से जल ग्रहण करती हुई स्त्रियाँ बालिकाएँ जिन सूर्य को देख करके संध्या वेला का आभास करती हैं ऐसा अस्ताचल की ओर अवस्थित सूर्य रूपी रुद्र हम सभी के लिए हम सभी प्राणियों के लिए हम सभी मनुष्यों के लिए हम सभी यजमान के लिए सुख प्रदान करे इस प्रकार इस मंत्र में सूर्य को नीलकंठ कहा गया नीलकंठ का तात्पर्य जिसका कंठ नील हो भगवान शिव का भी एक नाम नीलकंठ है उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया था अतएव उनका संपूर्ण कंठ विष के नील रक्त से युक्त हो गया था अतएव ही उनका नाम नीलकंठ है तो भगवान रुद्र को इस मंत्र में नीलकंठ के रूप में प्रतिपादन किया गया और अस्ताचलगामी सूर्य के विशिष्ट रूप से रक्तवर्ण के रूप में प्रतिपादित किया गया इस प्रकार सूर्य रूप में प्रतिपादन करते हुए महर्षि ने अपने कल्याण के लिए अपने सुख की प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा रुद्र से की है अग्रिम मंत्र है नमोस्तु नी सहसराक्षाय सहस अथो जे असिया हन्ते भियो नमहा मैं पुनः एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ नमोस्तु लगरीवाय सहस राक्षा मीढ़ुखे अथो जे असियानो हंते भियो कर इस प्रकार संहिता पाठ संपूर्ण किया गया अब पद पाठ का क्रम प्राप्त होता है पदपाठ इस प्रकार है नमः अस्तु नीलगरीवाएतिलग गरीवाय सहस्राक्षाएति सहस्र अक्षाय मीढ़ुखे अथो इत्यथो जे असवा नह म तेह अक नमः इस प्रकार पदपाठ किया गया अब इस मंत्र के सरलार्थ को जानते हैं यह आठवां मंत्र था रुद्राध्याय का अत्र वदति यत नीलकंठाय सहस्रलोचनाय वर्षणकर्त्रे तरुणाय रुद्राय मे नम तदनतर अस ये सेवका तेभ्य अभी मे भूयांसी नमासी यजमान कहता है कि जो नीलकंठ हैं जिनकी उपाधि नीलकंठ है जिनका कंठ वास्तव में नील है ऐसे भगवान नीलकंठ के लिए जो लोचन से युक्त हैं जिनकी हजारों आँखें हैं ऐसे लोचन भगवान शिव के लिए जो वर्षण करने में समर्थ हैं जो वर्षा कराते हैं सुख रूपी वर्षा कराते हैं ऐसे भगवान के लिए जो तरुणस्वरूपी रुद्र हैं युव रूप रु, रुद्र हैं ऐसे भगवान रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है मेरी प्रणाम प्रणामांजलि है और भगवान रुद्र को प्रणाम करने के पश्चात उनके जो सेवक हैं जो उनके नंदी इत्यादि सेवा में तत्पर रहते हैं ऐसे उन सेवकों के लिए भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है सेवकों को भी प्रणाम है भगवान सर्वतोभावे न हम पर प्रसन्न होवें और अपनी करुणारूप आशीष प्रदान करें ऐसी प्रार्थना यजमान के द्वारा इस मंत्र से की गई है नवम मंत्र है प्रमुच धन वस्तवा मुतन्यो जिया पराता भगवो बप मैं पुनर एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूं प्रमुच धन व जाश्चते ते हस्ता पराता भगवो बप यह मूल मंत्र संहिता का पाठ किया गया इसका पद पाठ इस प्रकार किया जाता है पर मुंच धनवन उभयो उभ ज्यामा जाहा जाते हस्ते इखव पराता इति यह पद पाठ किया गया अब इस मंत्र के सरणाथ का विचार करते हैं रुद्राध्याय का नवमा मंत्र था अस्मिन मंत्रे यजमानः यजम प्रार्थयति यत हे भगवन् हे गिरीश हे रुद्र ताम धनुषा दातो ज्याम प्रकृष्टेन विमोचय किंच पाणयो ये बाणा वर्तन्ते तान अपि दूर निक्षेपय भगवान के भयंकर रूप का वर्णन करते हुए यजमान उन्हें शांत करने का प्रयास करते हुए प्रार्थना करता है कि हे भगवन हे रुद्रस्वरूप हे कल्याणकारक हे गिरिजाधिपति आप अपने धनुष के दोनों प्रत्यंचाओं को प्रकृष्ट रूप से छोड़ दें धनुष के प्रत्यंचाओं को मुक्त करें और आपके जो बाण रखने का स्थान है जिसमें अनेक बाण रखे हुए हैं ऐसे उन सभी बाणों को उनमें से दूर करें आप क्रोध अपना शांत करें और शांतमय होकर के हम यजमानों के लिए आशी प्रदान करें आपके इस स्वरूप से हम भयभीत होते हैं आप अपने सुमनोहर मंत्रमुग्ध करने वाले दिव्य स्वरूप का दर्शन हमें कराएं क्रोध शांत करते हुए ऐसी प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा यजमान करता है इस पाठ में इतना ही पुनः आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद